बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। जो उन्होंने बयान दिया पत्रकार भाई, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। मैं अपने लोगों से मिलने के लिए आया, क्योंकि मेरे ऊपर पाबंदियां हैं कि मैं कोई सभा नहीं कर सकता हूं, मैं देश की राजधानी नहीं जा सकता हूं, मैं किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन अपने लोगों का दुख सुख बांटने के लिए मुझे ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो आजादी देता है, तो उनका दुख जानने के लिए मैं यहाँ आया और यही उद्देश्य है कि किसी तरह से न्याय बात करी जाए। बीजेपी ने सारे सिपाही सालार उतार रखे हैं, सीए के क्लेरिफिकेशन दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकले हैं इसके खिलाफ, आपका स्टैंड क्या है? मुझे लग रहा है कि मीडिया के लोग बहुत पीछे हैं, जो मेरा स्टैंड नहीं जान पा रहे। मेरा स्टैंड तो यह कि 25 दिन में इसी के विरोध में जेल में था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ दो लोग नहीं निकले हैं, वो सब लोग निकले हैं जिनको इस कानून से परेशानी हो रही, जिनको लग रहा है कि कानून इस मुल्क की एकता को, अखंडता को, अमन को, भाईचारे को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर देगा, जो इस मुल्क को दोबारा से बंटवारे कगार पे ले जाएगा, वो सब लोग निकले हुए और वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बाकी सरकार के वो अपने हर एक मोहरे को क्यों उतारने की जरूरत पड़ी, उसका कारण ये है कि सरकार ने जो किया, सरकार ने वो जल्दबाजी में कदम उठा दिया उन मुद्दों से भटकाने के लिए जिस पे सरकार घिर रही थी, जो कंट्रोवर्सी में खड़ी करनी थी हिंदू मुसलमान की, जिस पे वो काम कर रहे थे, तो उसके लिए अब उसमें सफाई देने के लिए सरकार आ रही। और गजब की बात देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को परमिशन है सीएए को समझाने की, एनआरसी को समझाने की, गलतफहमियां दूर करने की, लेकिन हाँ विपक्ष को और इस देश में जिस देश में दलितों कुछ अलग से अधिकार भी मिले हैं, उसमें दलित समाज के एक बेटे को अधिकार नहीं है कि वो सभा करके सीए और एनआरसी में जो संविधान की हत्या हो रही है वो लोगों को समझा सके। तो बड़ा अघोषित इमरजेंसी चल रही है, जो बोल रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है। सरकार के जेल से हम लोग नहीं डरते, लेकिन अगर हमारे लोगों को मारा जाएगा, उनको सताया जाएगा, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्टें नहीं मिलेंगी, उनको लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे सर में गोली मारी जाएगी, तो हमें पता लगता है कि कातिल का उद्देश्य क्या है। हम इसके खिलाफ कोर्ट गए हैं, 23 तारीख को सुनवाई है। जिन लोगों ने ये हत्याएं की हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि कानून में अगर कोई पुलिस वाला भी कानून तोड़ता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कानून सबके लिए बराबर है, देश की जनता का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आम आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। इस प्रक्रिया सबको गुजरना पड़ेगा। आज वो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन सत्ता बदलती रहती है। जो अधिकारी सरकारी नौकरियों में हैं, उन्हें तो यही काम करना, तानाशाही ना करें, जिससे कि जो हुआ है उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आए। और ये सारे अधिकारी वही होंगे जहां हमारे निर्दोष लोग बनते हैं। जेएनयू में एक पूरा बवाल हुआ, भाजपा से जुड़े लोगों को भाजपा संरक्षण देते हैं, क्योंकि क्या और कोई अन्य पार्टी वो इसलिए संरक्षण दे रही है कि देश का जो माहौल है खराब किया जाए, जो शिक्षण संस्थानों में से आवाज उठ रही है, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि एनआरसी गलत, ये इतना बड़ा बोझ देश नहीं उठा पाएगा। डिटेंशन कैंप में उस देश के लोगों से प्रयास किया जा रहा है, जैसे असम में ये लोग पढ़े लिखे लोगों को इसलिए पीटा जा रहा है कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको अगर पीछे नहीं हटेगी तो जनता सरकार को पीछे हटा देगी। मगर दूसरी बात सब जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है, प्रधानमंत्री तो श्री मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं जनता का सेवक हूं। आज देश के करोड़ों जनता की आवाज उनको क्यों नहीं सुनाई दे रही? सबका साथ सबके विकास की बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर ही बताएं, जिन्होंने ये सुन के किस मुल्क से उन्हें निकालना दिया जाए, वो सड़क पे यार गोलियां खाई, अपने अपने जीवन कुर्बान कर दिए, उनसे आप सबूत मांग रहे? अगर वो इस देश से प्रेम नहीं करते तो वो यहाँ इस देश को ना चुनते, बंटवारा हुआ चले जाते। तो ऐसा नहीं है, इस देश की अमन एकता भाईचारा ही दुनिया में भारत को भारत बनाता। तो ये जो किया जा रहा है उसके खिलाफ जो लोग खड़े हो चुके हैं पीछे हटने वाले नहीं, प्राइम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो,
उनको क्योंकि जनता की आवाज सुन के वापस आना पड़ेगा। ऐसे पहले भी कई बार हुआ, अभी आपको याद हो तो रविदास मंदिर का एक आंदोलन था जिसको तोड़ दिया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वो गलती एडमिट की और अपना फैसला हमारे पक्ष में दिया, जिसमें 65 दिन जेल में रहा। तो हम फिर तैयार है, अगर सरकार ऐसे नहीं हमारी बात सुनेगी तो सरकार हमें जेल में भेज के हमारी बात सुनेगी। तो आने वाले समय में अगर सरकार ऐसे नहीं तो जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। पहले भी हुआ मुल्क में, गौरव से आजादी के लिए हुआ, अब ऐसे जो सरकारें हैं जो तानाशाही करें उनसे आजादी के लिए करेंगे। प्लानिंग आज NRC पे प्लानिंग सुन लो, जब चुनाव की बात आएगी तो चुनाव की प्लानिंग बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस समय चुनाव का एक भी पॉइंट आपसे ना छूटे। आज जरूरत किस चीज की है? NRC पे देश में आंदोलन चल रहा है, हमारे लोगों को जो सताया जा रहा है, हम उनके खिलाफ जो लोग सता रहे क्या कर रहे हैं और हमारे आंदोलन क्या प्रक्रिया। मैंने आपको बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट जो हम लोग लगातार कर रहे हैं पूरे मुल्क में हो रहा है वो जारी रहेगा, और आज नहीं तो कल हो सकता है प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज भी चली जाए, क्योंकि वो मन की बात तो करते हैं लेकिन मन की बात सुनते नहीं, क्योंकि उनके बराबर में ही थोड़ी सी दूर पे साइन बाग है, इसे लोग आज साइन बाग के नाम से जानते हैं, पूरा मुल्क जान चुका है, पूरी दुनिया जान चुकी है, और वहां बैठी हमारी बहनों की तकलीफ बारिश में ठंड में जहां हम कंबल रजाई में सो रहे हैं वो पीड़ित वहां बैठी हैं, तड़प रही हैं, प्रधानमंत्री को नहीं सुनाई देती, बहुत तकलीफ है। क्या तो ऐसा हो सकता है कनेक्शन वहां ना मिल रहे, या हो सकता है वो सुनना ना चाहते हो। तो ये जो झूठा नारा दे रखा सबका।